That's what's making us nervous. We hope the film lives up to all the hype. We know everybody is really eager to see it, and tonight it will go out to the world. But I'm standing here, but Madhok is not just me. You know, there's a lot of people who make these films happen. Madhok is being built by so many people, and we also do films that are not completely my taste now. So Sharda is sitting there, she heads our content, and she's my right hand when it comes to making movies. So I want to thank her. This team has managed to do all this. Poonam, Pooja, Miraj Production, Anita. I'm going to take a moment. So a lot of threes in Madhok actually makes three happen. and obviously the writers and directors, we've been built by writers and directors. We wouldn't be where we are today. And one of those directors is my very, very dear friend. He is my younger brother. Madhok is as much his as mine. And I can tell you that he has not slept till he got here. Only this morning he managed to take a massage. And the right one. So ladies and gentlemen, Amar Kaushik, the captain of the ship, please. तो अमर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता है, आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छे से बोलेंगे आप, बोलिए प्लीज। नहीं आप, सो अमर ने, अमर की कंसर्न है कि इस पिक्चर में उसने बहुत सारे रहस्य खोले हैं। फर्स्ट थिंग के उसने बहुत सारे सरप्राइज पैकेजेस डाले हैं, और वो चाहता है कि जैसे आप देखें तो जब आपको सरप्राइजेस मालूम नहीं है, जितना आप उस पिक्चर को एंजॉय करेंगे, तो प्लीज आप सब मीडिया वाले ये मैसेज जरूर डालिए कि कोई भी स्पॉयलर्स बाहर नहीं आए। आप जो सरप्राइज आपको मिल रहा है सबको मिलेगी। सो इसलिए प्लीज तहे दिल से दरख्वास्त है, बहुत तहे दिल से दरख्वास्त है, प्लीज जो स्पॉयलर्स हैं मिलके अपने पास तक रखें थोड़े दिन तक, एक हफ्ता, दस दिन, जितना हमारी पिक्चर स्पॉइल ना करें, हमारी स्पॉइल। सो हम आपको एक वीडियो भी देंगे श्रद्धा, अमर और राज के साथ, जब वो थोड़े कॉमेडी में कम्युनिकेट करेंगे। प्लीज इसे आप हर जगह कीजिए। या अभी आपके मित्र को बुलाना चाहते हैं, हम स्त्री को बुलाएं, तो स्त्री को बुलाएं, हमारी स्त्री श्रद्धा कपूर आइए। आप बोलिए ना कुछ, आपको कैसा लग रहा है? आप मुझे बोल रहे थे कि आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो, क्यों नर्वस फील कर रहे हो? बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, कैसे हो आप सब? मस्त। तो एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लोगों के। एंड स्त्री हैज बीन सच अ स्पेशल फिल्म, इट्स सच अ स्पेशल फिल्म फॉर मी, फॉर डीमू एंड अमर, कि उन्होंने विश्वास रखा कि आई कुड बी कास्ट इन दिस फिल्म, एंड दे हैव गिवन मी वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल फिल्म्स टिल डेट। सो एक्साइटेड, नर्वस, लॉट्स। दो पंखियां गाई है, मैंने सुना आजकल आप गा रहे हो, थोड़ा उनको गाते हैं, बताओ कि स्पॉइलर्स मत दो। अच्छा हाँ, अपने शहर में वापस आया हूँ मैं, दिल्ली में। ऑफ कोर्स ये हमारे दिल्ली वाले सर, ये हम सब बहुत अच्छे लोग होते हैं दिल्ली वाले, हमको एक बार जो बात बोल दी जाती है ना, हम कभी जाके बाहर नहीं बताते, है ना? ये हमारी सर आदत है, हमारे डीएनए में है। तो आपने इतने प्यार से बोल दिया है ऑलरेडी कि प्लीज सबको बोलना कि स्पॉइलर्स ना भेजें, एक दूसरे को ना बताएं, तो वो हम करेंगे सर, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं हम सब, राइट? है ना, अच्छे ना दिल्ली वाले? कोई कोई बोल नहीं रहा, आप लोग बोलिए तो सही। एक बार अभी आप बुलाएंगे, सो हमारे
दो बहुत अहम किरदार जिनके बिना स्त्री पूरी नहीं होगी, बिट्टू कौशिक ने मुझे दी है। सो वो मी
इतना सारा प्यार मिला है फिल्म को, अभी पार्ट टू आ गई है और जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं लोगों में वो बहुत ही हम्बलिंग है. एंड इट्स वेरी स्पेशल टू बी हियर इन दिल्ली. दिल्ली मेरा दूसरा घर है, बहुत वक्त बिताया है यहाँ पे बचपन में. एंड जब मेरे बापू ने आशिकी देखी थी ना, उन्होंने दिल्ली में देखी थी और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की जो एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है. और मेरे बापू ने फिल्म देखी तो वो पॉजिटिव एनर्जी आई फील कि दैट फ्राइडे ऑल्सो चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. सो एक बहुत ही सिमिलर फीलिंग महसूस हो रहा है. स्त्री भी वैसी ही फिल्म है, मेरे लिए बहुत दिल के करीब है. एंड जस्ट एज डीयू सेड कि इट्स गॉट सो मच लव दैट वी रियली रियली होप दैट एवरीवन गेट्स एंटरटेन्ड, एवरीवन गोज टू द थिएटर्स एंड वॉचेस इट विद देयर फैमिलीज एंड देयर फ्रेंड्स एंड जस्ट हैज अ ग्रेट टाइम. दिस इज माय फिल्म दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. How sweet. Thank you so much, Shraddha. And now, of course, over to you, Rajkumar. Welcome back home. And welcome back home with Sri too as well. We are more than excited to see you back on screen. Whenever you are out there, you leave us all struck with your talent. And now you're back again. How do you feel about it? I feel absolutely thrilled. I feel even more thrilled because today the whole gang is here. Sri is these people and Papaji, of course. It's so much fun to be a part of this film. It's such a special film from all of us. Stree ne hamesha hame sirf diya hai. I think hum sabke career mein ek bahut lambi jump di thi Stree 1 ne. But I think Stree 2 jo hai dobara ek bahut lambi jump humko dene wali hai. Aur ye sab possible hua hai because of your love. Stree is not our film. Stree is your film. Ye aapki film hai. Aapne isko itna pyar diya, aapne isko itna bada banaya. And we are so thrilled to be back with Stree 2. Because humko bahut maza aaya banane mein. We had a great time always. Whenever we all are together, we had a great time. We have a great time. Aur hume pata hai ki humko jitna maza aaya, usse zyada maza aapko scene par aane wala hai. So aaj se preview shows start ho gaye hain. Jo reports aa rahi hain, they are overwhelming. We are on cloud 9. We are all grateful. You know, everyone knows Rajkumar Rao is a very, very good actor. You know, he's done so many good performances. But my guy thanks all the film and they all feel that his comic timing is impeccable, right? We've seen that. But I have to tell you, one, like if you have to have five reasons to watch Stree, one will be Rajkumar Rao's performance. He takes you through a realm of emotions. He takes you through a journey. And I'm not just saying this, okay, I'm saying this because he's sitting here. But we saw him dance in IRA and you know people said, what is this side of Raj? That, you know, this is the same side of Raj which had come 6 years ago. So we urge him to do more comedy, we urge him to do more films, right? And I actually believe it's a very tall ask, but it's his most wholesome performance among everything he's done. So all the best, Raj. I hope it does well for you. Thank you so much, guys. So, by the way, from the movie, from the script, it seems that you guys, all of you, are a notorious bunch. And this one is specially for you, Amar, that you've been working with them and you work on Stree 2 with them. I have a special question for you. Who amongst them is the most notorious one to work with? सबसे ज्यादा शैतान नहीं, बट मेरे अंदर जो शैतानी आई है सबकी वजह से आई है, क्योंकि ये लोग मुझे आराम से बैठने नहीं देते हैं. ये इतना मजे करते हैं सेट पे सबके सब, तो मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है. और हमारे जो एडीज हैं आके बोलते सर शॉर्ट रेडी है प्लीज चलो मस्ती करते. तो हम लोग ने सारे डायलॉग सेट पे लिखे हैं, मस्ती करते करते लिखे हैं. मेरा राइटर हमेशा सेट पे रहता था. एंड वही क्या, तो शैतान सबसे ज्यादा यही लोग. पर आप कुछ ये बोलो ना कि जन्ना की दीदी कैसी है. आप तो आप
सकता हूँ। भावना तो ऐसी भावना से नहीं देख रहा है। एक बात है, श्रद्धा कपूर को देखने के लिए सिर्फ प्रेम भाव ही और कोई भाव नहीं है। सर आई कंप्लीटली अग्री विद यू। वैसे इनफैक्ट हमारे आई थिंक आई एज अ गर्ल वुड हैव दैट प्रेम भाव फॉर यू श्रद्धा, बिकॉज़ आप हो ही इतने खूबसूरत। यू आल्सो गॉट अ सॉन्ग फॉर यू स्पेशली। इफ अ गर्ल इज सेइंग दैट टू अ गर्ल दैट मींस अ लॉट। बहुत कम बार ऐसा होता है कि लड़की ने एक और लड़की को ये बात बोली। एक स्त्री के लिए दूसरे स्त्री का प्यार ही सबसे बड़ा होता है। क्या बात। आई थिंक दैट वुमेन एम्पावर वुमेन इन द मोस्ट पावरफुल वे। आई एग्री विद दैट। सो यस गाइस, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और हमारे बिट्टू जना से भी हम पूछना चाहेंगे, अब वी वुड आल्सो लव टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट यू आर हैविंग, नर्वसनेस है, खुशी है, व्हाट आर ऑल दोस इमोशंस? Yeah, I think first of all, एक बार गला खराब है, नियत बिल्कुल ठीक। I think without sounding too much, C1 got a paradigm shift to the way we made films in our country. और अगर हम उसका second part लेकर आ रहे हैं तो of course it's bigger, better, funnier, scarier, सब एक साथ। आप numbers आप सबके लिए सामने हैं देखने के लिए, and you just spoke about you know the advance booking. वो सब एक तरफ है, वो सब नंबर्स हैं और वो सब आई थिंक यू नो आप सबके लिए अवेलेबल है। वन थिंग विच यू माइट नॉट नो इज दैट व्हाट मेक्स फॉर मी बट विच मेक्स 3-2 वेरी वेरी स्पेशल इज दैट ईच एंड एवरी पर्सन अटैच्ड टू दिस फिल्म केम बैक आफ्टर 5-6 इयर्स विद अ सर्टेन काइंड ऑफ ग्रोथ विद अ सर्टेन काइंड ऑफ लव। ईच एंड एवरी पर्सन हैड एन अमेजिंग जर्नी इन देयर इंडिविजुअल करियर्स एंड लास्टली ऑल दोस पीपल वर प्रेजेंट देयर। सब वही एक्टर्स, वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर एंड टू टॉप इट ऑल व्हिच रियली यू नो इज द रियल ऑफ द प्रॉब्लम फॉर मी इज कि एडीज भी सेम थे यू नो विधि विभाषा एवरीवन। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन कि सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और रूबी सेम है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स आवर टीम वेरी स्पेशल एंड टच वुड आई थिंक वी विल गेट हियर फॉर अनदर राउंड ऑफ क्योंकि मेरा यही था कि जो प्यार से हमने फर्स्ट बनाई थी एग्जैक्टली वही एनर्जी वही प्यार से मुझे सेकंड बनानी थी। और जितना आप लोग इंतजार कर रहे थे सेकंड पार्ट का उतना हम भी इंतजार कर रहे थे कि हम वापस सेट पे कब जाएं, हमारी टीम वापस सेट पे कब जाए, क्योंकि वो 30-35 दिन का एक्सपीरियंस था फर्स्ट पार्ट में, तो वही हमको वापस जीना था। और आप फिल्म देख के खुश होते हैं, हम लोग बनाते हुए बहुत खुश हुए इस फिल्म को। सबसे ज्यादा तंग अगर आप मेरा नाम ले लोगे तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। तंग मुझे अभिषेक ने किया क्योंकि ये बोलता रहता था मुझे कि मुझे 5 मिनट और दूंगा आने के, 5 मिनट और आज भी अभिषेक ने कहा। अरे सर अभिषेक मेरा हेयर स्टाइलिस्ट ये यूज कर रहे हैं उससे पहले मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था, हिंदी फिल्म किया था मैंने अच्छी जिसमें बहुत डरावना रोल किया था। अमर भाई ने पता नहीं मुझे क्यों ऐसा चना की तरह इमेजिन किया, मुझे हमेशा पिट्टू करना था। लेकिन इन्होंने मुझे मतलब आई थिंक जना की तरह देखा और वो जब मैंने फिल्म की मुझे कुछ नहीं पता था कि फिल्म कितना कमाएगी ये वो, मुझे इतना पता था कि राजकुमार राव एक बहुत खतरनाक एक्टर है जिसको मैं कई सालों से जानता हूँ, FDI के टाइम से जानता हूँ, जिसने मतलब अपने स्टूडेंट फिल्म के टाइम से मैंने उसकी एक्टिंग देखी हुई है। और मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ इंडिया में मुझे नहीं लगता इस वक्त इससे बेटर कोई एक्टर है। और तू बैठा है इससे बोल रहा हूँ उनका कैमरा नीचे भाई।
मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ जो अभिषेक कह रहे हैं ना कि राज इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई कंप्लीटली अग्री. मैं ज्यादा थिएटर्स में फिल्में नहीं देखती एंड द लास्ट फिल्म दैट आई रियली वांटेड टू गो एंड सी वो श्रीकांत एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ राज एंड द वे दैट ही वाज परफॉर्मिंग. And one of the most special reasons, I think, again, I want to thank Dino and Amar for casting me in this film to make me a part of this gang is itne behtareen actors ke saath mujhe mauka mila hai to work with. And jab inko live dekhti hu na, there's too much to learn and to get that the second time around has been amazing. So I just wanted to add that it's been. एक छोटा सा confession और ये बात चली रही है तो एक छोटा सा confession मैं भी करना चाहता हूँ. Sure, madam made another, you know, film called हमारे तो when it came to be, the like यार ऐसे ऐसे है उस time पे ना मैं stage में नहीं था कि मैं सब lead करने का मन करे. Then I got to know कि राज भी लेने वाली. For me, not free, not हम तो हमारे तो any film later on in any part of my career, Raj is always my hero. And I think that's what the personal and professional ethics he has taught me. मेरे को और किसी नहीं. मतलब तुझे second lead करना तो third lead में कुछ. मैं fourth भी करने को तैयार हूँ. अगर पहले चीज पार राज के तो मैं चौथा भी करने को तैयार. और actually कौन सा actor है जो back to back consistently perform करता है? As a versatile actor, so I don't think. Thank you so much. अभी आप रिटायर. यार अभी ये सब लोग मुझसे बहुत पैसे मांगेंगे वाले. Basically हमने बोला है लाइफ में अचीवमेंट ले ली. अभी तो नेशनल अवार्ड का सीजन है भाई अभी तो लाइफ में मिला. Oh God. अगर पंकज जी की बात चली तो कोई किस्सा स्त्री वन का पंकज जी. सो आई एम अ वेरी अप टेम्पो एनर्जी. आई डोंट हैव टू से यू नो लोगों को पता है कि सकली उठ भाई सर. सो एक दिन लंच खत्म करने के बाद मैंने अपने यू नो स्पॉट पर बोला कि यार तुरंत से पहले चाय होगा. सो पंकज जी नहीं बैठे बैठ के लंच कर रहे सारे बैठ के. पंकज जी कहते पापा बाबू सिर्फ एक दरख्वास्त है तुमसे इन्हें तत्काल में जीना छोड़ो. तत्काल में जीना छोड़ दो कभी किससे ना लो सुना नहीं था. सो आई थिंक दैट अपने को एनर्जी. सो ही हैज सम वेरियस क्वर्की वेज टू. जिस तरीके से पंकज जी ने सारे डायलॉग्स बोले हैं फिल्म में जिस तरीके से जब वो सेट पे आते हैं आपको लगता है कि पंकज जी थोड़े ऐसे मजे में अभी करेंगे बट जैसे ही कैमरा ऑन होगा वो लाइन बोल रहे हैं. सेट में जितने लोग होते हैं सब सब हंस रहे हैं. उनका उनका एक वो कमाल है. और उनको रातों की शूट पसंद नहीं है. उन्होंने बोला अमर अगली बार की स्क्रीन में मुझे रात की जगह दिन में भूत आ सकता है क्या. उसको रातें बहुत तकलीफ देती है. आपको पता है ये रूम में चले गए कि पंकज त्रिवाणी को रातें बहुत तकलीफ देती है. सॉरी पंकज सर मैम आपको बहुत सच में बहुत मिस कर रहे हैं. आप मैं समझ गए माहौल अलग होता ये होता है. After 6 years, right? You've
So we're all the same characters. The world is the same. And of course, before going on set, it felt like, arey, you know, 5 saal guzar gaye hain. It's been a long time. But the moment, I think I can say this for our entire gang, maybe, that the moment we went back on set, the moment we started getting back into the zone of screen, nearly though it felt like, arey, it's not been that long. Aisa laga ki it's a continuation of the journey of the first part. And really honestly, when you're on set with this group and everyone is just, of course, I mean, as I said, extremely talented, and I just think so excited to be a part of a film like this. You know, very few actors, I think, get to be a part of an entertaining film which has a deeper social message also. So it just felt like not much time has passed, but at the same time it felt like, okay, it is a new journey, because now the thread is larger. The characters are moving forward in their own journeys as well. But this has been one of the best films for me, the best group, the best gang that I could be a part of. And you know, I really, really feel very, very lucky that they feel like I could have been included in this. Are you anything like your Sripa character, sir? I think that there is a lot of mystery around Shweta. In a good way, of course. Sab poochte rehte hain, kaun hai aapki life mein? Aap shaadi kab karenge? Wo element hai. Mystery to hai. Kyun mystery? To matlab aapko yaad karne sab aa jati hai? Am I anything like her? Yeah. I have to say, all like the character, I definitely have to say that Stri is a very empowering film. So I feel very empowered by the entire journey. I don't know if that answers your question, but I feel extremely empowered by the journey. I feel like the subliminal messaging of the film, even with the first part, I think it's incredible that Dino decided to make a film like this, which is makes society think and makes us think in the most entertaining way. So I think that I do feel very, very empowered, and I do feel very empowered, I have to say. I don't know if Dino knows this and if Amar knows this, but I do feel empowered to be fearless in the kind of films that I want to do as well, and they've actually played a role in this. By giving me a film like Stri. Awesome. And before pass on the mic, I want to ask you, it's nearly 15 years since seeing Bhakti when I first met. What has changed in the process? Have you changed as an actor? Look, Bhakti, ask us what we can choose at the end. There's so much that has, it's been a beautiful time, but I feel like, you know, I feel like there's so much more work I have to do. I don't think I've done very many films, very honestly. So I feel like there is a lot more that I want to do, and I really feel like the best is yet to come, and I feel like this is a very exciting time for me as well. There have been some incredible films that I've got an opportunity to be a part of, and Stri is up there. And I really hope that, you know, I can be a part of more memorable films and do really, really good work as an actor. I think what you asked, in 2 years, she's been picky. Right? So the fact is, it's going to be worth doing. Absolutely. When you see the film, all the others are known as actors, right? And Shweta has the maximum growth. So when you see the film, you will, you know, they say a star's born, you will see a very superior actor. Awesome. So this is just her beginning. Awesome. And asking you, who's the? Stri and Mickey between the two of you, because your collaboration goes on Stri. Why? But it's Stri or Mickey or then? Stri or Mickey? Messi. Messi independence. क्योंकि हमारे को जब भी कुछ काम करना होता है वो उनकी आंखों में बहुत प्यार से देखते हैं और बोलते हैं कि भले हमारी पर ये बड़े काम तो करना है. Hi, this is Aika.
entertainment money control. So Raj, it's for you. I mean, how different is Vicky this time? How different is Vicky in Stree? And how have you grown as an actor from Stree to Stree 2? Is there also any pressure? Certainly I've grown as an actor, I feel, because the more you work with better directors, I think you grow as an actor. And that's what my aim has been always, to explore different characters, to grow as an actor with every film. So I think certainly there's a growth. And also you have those 6 years of experience of living life with the majority of cinema. So everything I think comes together eventually. How the pick is different this time, I think last time he was talking about peacocks and like more than depends on another. इस बार जो है वो चंदरी का देवता विक्की बावरा टोटल चंदर सब यार के आधार कबीर सिंह सुखा वर्जिन इस बार वो अपने बारे में as he become but it's more fun. I think certainly I would say all the characters, it's double the fun, double the entertainment, double the threat, and double the canvas. Aishwarya, it's for you, your role. How has Stree 2 been for you from Stree 1 to Stree 2? How is it different? Your character was earlier a very mysterious character, and now it's shown a very powerful one. So how do you see it? And is there a pressure that Will Stree 2 be performing so well? Because we're getting reports that it's doing really well at the box office collection at one point. You know, for all of us, our characters are the same, as I was saying, and all our characters move forward, the narrative is moving forward, and it is, as I was saying, an extremely special film for me, where you're entertaining everybody and at the same time giving a very, very important message. I think it's similar to what I said before. It's the same world, but the threat is larger. And my character still maybe has that mystery, and just the way in Stree 1, it leaves you with questions. Some questions will be answered in this one, but there will be new questions as well. And about the pressure, I would say, you know, we are we were really, really happy making Stree 2. We were, as Amar said, we were keenly waiting to be back together on set. We had a lot of fun making it, and the kind of reports we have also been hearing, I think it's a great sign. It's a great sign for cinema that, you know, a film like Stree 2 is coming, which got so much of love in part 1, and now we can't wait for all of you to go and watch it, because we are pretty sure that you guys will love it and just make it your own. And you know, of course, as we're talking about, you know, the business of the film, the reports, etc., there is no bigger feeling than the kind of love that you get from the audiences and the kind of love that a film gets from the audiences. I think that that is the ultimate kind of validation. Shraddha, hi, I'm Ashu Desai. So already is Stree par jo hai baaki baat hai film ko lekar promotion ko lekar kai city tour na aapko itni help karte hue dekhe puri team ko kal jo ki bahut positive day hai 15th august hai lekin kal do filmon ke bahar aur aapko uthane hain to kitna tough aapke liye hone wala hai aapki team ke liye kyunki dono bahut hi bade star hain dono dono bahut hi bade jaan ki film hai to kaise aap us competition ko dekhte hain team ke mein ek saath ek din mujhe lagta hai ki all of us are very excited about any film releasing, and you know, we hope that all the films do well. We hope that people enjoy all the films that release, and yaar hamari industry ke liye bahut acha hoga agar film chalegi, and wishing all the best to all the films, and we hope that people go and watch Stree and enjoy it as well. Hi guys, this is me, Chinmay. I'm here. अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरे को सकटा करने चाहिए सेना खड़ा है बहुत सर सो गाइस आपसे ज़्यादा स्त्री का इस फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ और नॉट जस्ट मी मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फैन है और हम लोग 3 बार चंडीगढ़ जा चुके हैं इसके लिए अभी आप सारे हमारे लिए वहीं से आ रहे हैं अभी भी आपके ड्रेसेस वहाँ पर है राजा रानी महल कटी घाटी पे या फिर किला कोठी पे या फिर ग्राउंड पे जो एस एफ सी लिखा हुआ है सरस्वती फूड कोर्ट वो अभी भी है तो क्राउड जो वहाँ पर है वो उतने ही चाव से बताता है कि यू नो ये स्त्री वाले आए थे पिछले साल और वो शूट करके गए हैं सो हाउ सो फ्यू गाइस और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ अमर सर आपका
क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म को बनाया है और अपने उनके कैरेक्टर्स होने और अपने किया सब कुछ। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, आप सभी एक्टर से है कि ये जो फिल्म थी बिकॉज आई टेक केयर ऑफ द हेल्थ वर्टिकल ऑफ टेनिंग चिल्ड्रन ओनली माय हेल्थ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा कि ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी, इसमें एक्टर्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता होगा कि आप एकदम से स्विच हो रहे हैं हॉरर में, एकदम से स्विच हो रहे हैं कॉमेडी में, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू गाइस टू मेंटेन योर ओन मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी व्हाइल स्विचिंग सो इजीली बिटवीन कॉमेडी एंड हॉरर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट आई वुड एब्सोल्युटली आई सेकंड योर ओपिनियन दैट वी ऑल आर नंबर्स फैन. This film is this because of his, you know, the way he made it part one and now part two. We all love him, he's a brother. About the, I think not so much, it's fun. You know, honestly, like when you do a horror comedy, it's a lot of fun doing that film. Even when you're getting scared, you are getting scared, but somewhere you also know that, you know, it might come across as funny to the audience, like which happened in part one. There were so many moments where we were getting scared, and but people were laughing. So we don't, we were very sure that, you know, we should not, we have to be aware of the fine balance of the thin line and it should not become too serious where it becomes only a horror film. The horror is very real though. But I think that has been taken care of, that we don't take things so seriously that, you know, it becomes another film altogether. And after cut, as Amar said, the moment you hear cut, we are back in our form and we're back in the senses and we are just doing, cracking some stupid jokes. So I think that really maintained some balance in amongst all of us. Also मुझे क्या लगता है कि जितनी भी horror है, तकलीफ है, डर है, सब चीजों का solution हंसी है, you know. So मेरे लिए सबसे important ये होता है कि लोग कोई भी emotion feel करें, उसके साथ उसमें एक humor add कर दे तो वो emotion उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा. तो मेरे लिए चाहे वो डर है, चाहे वो ट्रेजिडी है, ऑब्वियसली ट्रेजिडी में ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर सकते, बट ये मुझे लगता है कॉमेडी और कॉमेडी हम लोग हमारी कॉमेडी बेसिकली कॉमेडी नहीं होती है जिसमें उछल कूद करते हैं, शॉर्ट ऑफ मूवी. हम सिचुएशन ऐसी करते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं डरते हुए, जा रहे हैं वहीं डरते हुए जा रहे हैं, हाथ पकड़े रहना, इसमें ही हंसी आती है. एंड देन उसके बाद उसमें सच में कुछ हो जाता है ऐसा, किसी को कोई छोड़ जाता है अकेला. Actually, डर ना, sometimes I really feel scared for him because the way he starts enacting the scenes, you know, sometimes more energy than us. बहुत ही हाई नंबर. सही बात. मैं डर के अंदर. हाँ. मैंने बोला यार ये कर, मैं कैसे करना है? बोला नहीं, ये करता है. हाँ, अपने तरीके से करो, बट ऐसा. मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द कम होते हैं बताने के कि यू नो दिस सीन है ना, दिस पोटेंशियल. मैं उनको करके दिखाता हूँ कि सर ऐसा कुछ करना है, यू नो, अब आप अपने हिसाब से कर लो. और मैं बोल भी लेता हूँ क्योंकि राज को पहले मुझे इंडर ने ऐसे बोला यार मुझे कोई एक्टिंग करके दिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आता. तो मैं बोला मैं कैसे समझाऊंगा, तो मैं करके देता हूँ ऐसे कुछ करके, ऐसा ऐसा नहीं करना, हम देखते पवन सिंह को एक शादी में गाते हुए सुना था,
और वहाँ हमने जिगर भी था मेरे साथ जो म्यूजिक डायरेक्टर उसने नाम दिया तो मैंने बोला कल लॉन्च है हमें पवन सिंह जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ तुम्हें क्रेडिट देना पड़ेगा हमने रात को फोन किया सुबह डब हुआ और रात को लॉन्च हुआ और हमें ऑनेस्टली मालूम नहीं था हमें मालूम था कि कोई बहुत बड़े स्टार है वहाँ लेकिन इतने बड़े स्टार है ये हमें लॉन्च के बाद मालूम पड़ा क्योंकि उन्होंने जैसे इस गाने को और स्त्री को अपनाया बिकॉज श्रद्धा और राज गए थे और मैंने दो तीन क्लिप्स देखी उन्होंने इतना प्यार किया और यू नो मैंने रियलाइज किया कि नॉर्थ की एक खासियत है कि जब प्यार करते हैं अपना दिल खोल के करते हैं कंजूसी नहीं है उसमें तो यू नो मैं कई दिन से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ बिकॉज आई नहीं को अगर वो नहीं आते तो आई नहीं होती सो कोई किन पिक्चरों में हर गाने की किस्मत होती है तो वो हमेशा लास्ट 24 घंटे में निकल के आता है और ये ऐसा बैठा है कि मेरा जो ढाई साल का बेटा है वो आज राज को मिला तो वो उसको बोल रहा था ये बोला मेरे को ना क्या काका बोला काकी क्यों बुला रहा है राज को तो वो काटी बोल सो दैट इज द पावर ऑफ गुड म्यूजिक सो आई जज म्यूजिक विद हाउ माय चिल्ड्रन रिएक्ट विद बिकॉज़ आई फील दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट सो इफ ही लाइक्स अ सॉन्ग जनरली ही इट गोस टू द रूफ बिकॉज़ यू नो इट्स दैट सिंपल सो या थैंक यू टू पवन सिंह जी फॉर स्त्री को चार चांद लगाने के लिए एंड थैंक यू फॉर राज फॉर बिकमिंग श्रद्धा ने लाइव विटनेस किया है दैट पवन सिंह जी इज ट्रूली अ पावर स्टार जो उनको बुलाया जाता है हमने वो फ्रेंजी देखी है उनका पावर देख लिया एंड ऑल्सो ऐड हियर बिकॉज आपने सही एकदम चुना दी तीनों की दिनेश की कमाल की खासियत है कि वो जिस तरह से चीजों को देखते हैं लाइक दिस वाज अ ग्रेट आइडिया ऑफ थिंकिंग कि लेट्स हैव पवन सिंह टू दिस सॉन्ग अ नाइट बिफोर तो आई थिंक बहुत सारे लोग आजकल उनको गोल्डन बॉय ऑफ द इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि वो जो भी टच कर रहे हैं वो सोना बन रहा है टच वुड एंड आई थिंक इट्स हिज विजन आल्सो द वे ही सीज थिंग द वे ही द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज ऑन हिज फिल्म्स Not that you look like yeah, but even if you look like no, I have faith in this film. I'm going to put it out there, and it works for him. I don't know how he does it, but it's great how he does it. I also want to add to that because I don't know any fearless maker like Dino today. Unne Munja jaisi film release ki hai, which is with newcomers, a VFX character, and. Someone to have faith in that content and that film has gone and won the hearts of people and done the business that it's done. So to be a part of a production house like Madhok, you know, where they have that blind faith ki matlab humein content mein believe karna hai, logo ko entertain karna hai aur usme khara utarna hai. So I feel ki jo fearlessness hai in Dino, in the team of Madhok, in Amar, it's incredible to be a part of that journey as well. Because that way you are staying true to entertaining the audiences. You know, a film like Munja has come and done what it has done. So it's incredible. And I think ek hi insaan ko music sense bhi correct ho, number sense bhi correct ho, you know, packaging sense bhi correct ho, aur ये सब एक साथ होना एक ही टाइम पे इतनी ज्यादा मुश्किल है सॉरी बोलो सबको पैसे पहुंच गए You know, that was interesting what you said about the money aspect, but also your collaboration with Jio Studio starts from Stream 1. So, what has that been like, and going forward, what can we expect? Jio, yeah. Color bhi red hai. Stree ka color bhi red hai. It was a correct partnership. And Jodi Deshpande on the launch had gone red. So I feel she's one Stree who has really added to my life, to be honest. She's been like a mentor. She has nurtured this relationship as much as I have, and I don't feel Stree would be Stree without Jio Studio. I think Munja is your ki didi hai Stree. Hai na? Munja ki didi Stree. Munja ki didi. Hi everybody, this is Ashfa from AMP and Hello. मेरा पहला सवाल राज और अपार आपसे है स्त्री के लिए बहुत कुछ बोला जाता है कि अगर वो आपकी लाइफ में है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है स्त्री को एंड ब्ला ब्ला आप दोनों की लाइफ में स्त्री है वो पर्सनल लाइफ हां क्या
सच में स्त्री को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है? दोबारा से राज भी अलग से इस पे नो प्रकाश डालेंगे इस बात पर, लेकिन मैं ऑलरेडी अगर दोनों की तरफ से बात बोल सकूं तो आई थिंक हम दोनों की लाइफ में जो स्त्री आई पत्र लेखा इनकी लाइफ में आती थी मेरी लाइफ में, आई थिंक सिंस देन एक यू नो आप शुरू से आप में टैलेंट होता है, हार्डवर्क करने की इच्छा होती है, यू आर चेजिंग योर ड्रीम, लेकिन थिंग्स कभी ना एंड मीट नहीं होते होते हैं. The moment somebody comes into your life and just completes everything, I think वही जो आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ मतलब शुक्र है वो हुआ, शायद पहले हुआ तो शायद और बेटर जर्नी चल रही होती. So that's what whatever little I have achieved in my life, उस स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है. उस स्त्री की एक उंगली की रिंग मैं भी पहन के आया हूँ उसे, सोचा she's here and now I have another स्त्री in my life who is my 3-year-old daughter and that's what I think God has made me. I think I'm, both of us, again speak on both of us behalf, but I think we have been so lucky that we found such amazing women in our life. And there's nothing more beautiful than love. Just being in love and just keep falling in love every day again and again with the same person is the most beautiful feeling. And to be here sitting here is because of her, because she keeps me grounded, she keeps me real, she guides me well, she is my strength, she is the love of my life. So yeah. ओके शर्मा, मेरा सवाल आपसे है. बोला गया है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो क्या आप अपनी वो स्त्री की पावर यूज करती हैं बार्गेनिंग और अपनी बात मनवाना सबसे? 100% बार्गेनिंग. अगर सत्ता को कुछ कराना है वो स्त्री को कुछ भी करा सकती है, वो आपको कन्विंस करती है, ऐसा मुझे लगता है. और इतने प्यार से मिनिस्टर की उस शक्ल भगवान ने ऐसी दी है कि आप लोग यहाँ आए ठीक है करें कि बोल रही होगी. हाँ, I think being a woman in itself is a superpower and I feel like you know it's a film like Stree also to have a film that is called Stree is very empowering. I think for me. For women around as well, and so I just feel I don't know if this answers your question, but I feel like being a woman in itself is a superpower. Definitely. Abhishek, mera aapki sawal aapse rahega. Do filmen release ho rahi hain. Aapko kya lagta hai? Kaun box office par dhamaal aane wala hai? Although aapne 100% diya hai. Aaj ji batao. Hum sab sunna chahenge iska jawab. Kya mujhe? मैं तो आप ही मेरे बोल रहा नहीं ऐसा काम नहीं तुम्हें हमें पता है एडवांस बुकिंग में क्या चल रहा है पर मैं चाहूंगा आप हाँ नहीं मैं लेकिन चाहूंगा कि दोनों फिल्में चले. एडवांस बुकिंग में हमको सबको पता है कि किसकी ज्यादा कमाई होने वाली है. देखा हमें बोल रहा है मतलब स्त्री इसी नहीं है. अरे मतलब आपको देखा आप कमाई ये बोला है कमाई तो आपके ऊपर मैं सुन ही सकता सब छोटी है. बट यार चलनी तो सारी फिल्में चाहिए क्योंकि आई थिंक थिएटर्स का वैसे भी बहुत टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लोग थिएटर तक नहीं आ रहे है ना. हम हमेशा बात कंप्लेन करते हैं कि यार ऑडियंस थिएटर तक नहीं आ रही और हमारा पूरा इंडस्ट्री जो है वो सफर करता है अगर पब्लिक थिएटर्स पे ना आए, क्योंकि बहुत एक वैसा कल्चर शुरू हो गया जहाँ पे लोग ओटीटी पे वेट करते हैं कि यार फिल्म रिलीज हो जाएगी कोई बात नहीं एक महीने बाद ओटीटी पे आ जाएगी वहाँ देख लेंगे. बट मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में जाके फिल्म देखने का होता है जहाँ आपको कोई घंटी नहीं बजती फोन की, कोई आपको डिलीवर करने नहीं आ रहा है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इंस्टाग्राम से, वो पूरे सराउंड सिस्टम के साथ आप फिल्म देख रहे हैं उसकी दुनिया में जिसके लिए डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं वो वर्ल्ड में लेके जाने के लिए ऑडियंस को. तो आई होप कि मतलब इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं इससे वापस पब्लिक का जो हुजूम है वो थिएटर्स तक आए और हमारे इंडस्ट्री को और पैसा. That it has the capacity for everyone. And if you look at, if you go to book my show, everyone has shows. So, you know, it's ultimately a day where people want to go out. They want to go to a cinema. And I feel they are all three different kinds of film. Offering three different, it's like going to three different cuisines. So there's an opportunity and I hope for the audience and for the industry, say call to it. Hi, Sonal here from Zoom. Hi. Hi, Sonal. Because hi. I don't have a... So, first of all, many of you
वो खड़ी हो सकती है. थैंक यू सो मच. सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर स्क्रीन टू एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बहुत लेट कर आया आपने, नॉट फेयर. 6 साल बहुत लंबा टाइम है, बहुत लेट किया हमने जनरली. बट वी आर रियली एक्साइटेड. लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क एंड दिस इज फॉर ऑल थ्री गाइस हियर, अपार शेक एंड राज, आप ही लोग of Maddox
horror comedy universe where all the characters will hopefully be in each other's films, and we will have our own massive horror comedy universe, which is such a proud moment, I think, for India. And to answer your question, you know, actually, kya hota hai ki, when you're growing up, girls and boys who sit and you make a list, correct? Ki mujhe aisa partner chahiye, mujhe aisi girlfriend chahiye, aisa boyfriend chahiye. But the list that I make is what kind of a partner do I want to be, and what kind of qualities that I want to have. And that is what I focus on, that, you know, I want to be the best kind of partner, because I fully believe in a fairy tale romance, and I would want to be the best partner for my partner. इसीलिए दोनों पीछे पड़े हैं तो का बेस्ट हाय एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑल गिव अ वेरी फुल शाउट ऑफ अप्लॉज हिस्ट्री ऑफ दिस आर्मी और इतने अच्छे थिएटर्स का आदान होगी माय नेम इज मनीषा आई एम फ्रॉम आष्टा मेरा सवाल बिट्टू और जना से है रोमांस की तो बात हुई हुई बट मैं आपसे पूछनी थी इतनी मेहनत लगी आपकी जो विक्की जी है वो इस बार चले गए कि देवता जब सबका वर्जन ना रहे ऐसा क्या कोई बोल रहा है आपको सबका वर्जन क्या सबका वर्जन है ना कोई तरह का नहीं है ये तो आपको फिल्म बनाने के बाद पता चलेगा यार आई थिंक अगर कैरेक्टर की बात करें तो जब तक वो कैरेक्टर की बात सबका वर्जन रहे तब तक वो ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग है तब तक वो ऑडियंस के लिए और एक्साइटिंग है तभी आई थिंक वैसे मोनोलॉग्स दिखने की जो बैक टू बैक हीरो श्री वन या श्री टू में आपने रात से सुने बाकी बाकी स्टंट ऑफ है तो अभी परफॉर्मेंस से या स्टंट ऑफ से नहीं लेते हैं नहीं अरे स्टंट ऑफ से स्टंट ऑफ से तो जो परफॉर्म का मतलब बता दे क्या मतलब है कूल डूड भैया जी स्कूल तो इसलिए कि परफॉर्मेंस से वो कभी सुखे वर्जन रहते नहीं सो बट जना आपका क्या होगा और बहुत हंसते थे आप लोग यार जनरली बहुत हंसते थे बहुत मस्ती हो रही थी
सो इसलिए अबर जो हमारे डायरेक्टर ने कितनी बार जो है हमारे साउंड डिजाइन को बोला बनता था कि सर रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपके हिलने की हंसने की आवाज आ रही है। अच्छा एक मेरा एक सवाल है, स्त्री टू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, स्त्री टू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सर कटा, सर कटा तो भैया जो थ्रेट है हमारे सर कटा वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन। सो हम एक्चुअली आज हमारे साथ पंकज जी नहीं और सर कटा भी नहीं, सोच सकता है जो सरकटा इसने बनाया ना जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ऐसा आई डोंट थिंक और वो इतना हाईलाइट है so, इसे, तो सर कटे के तो स्पेशली कोई स्पॉइलर्स मत देना वो कौन है किसका रिश्तेदार है बस दिनों पर ओके लास्ट क्वेश्चन ये तो बच्चे पूछ रहे हैं बैठे क्यों ब्रेक कर सर कटा है जब इक्वेशन में चला हेलो हाय श्रद्धा हाय
श्रद्धा हमने देखा फिल्म स्क्रीन में किस तरह से जो स्त्री होती है वो सच्चे प्यार की तलाश में होती है, वो उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बट अगर रियल लाइफ की बात करें तो श्रद्धा को अगर कोई पार्टनर चाहिए तो उनमें क्या क्वालिटीज वो एक्सपेक्ट करती है एज अ स्त्री और एज अ श्रद्धा? तो अभी भी जस्ट मैंने बोला कि मैं खुद में जो क्वालिटीज लाना चाहती हूँ मैं उस पर फोकस करती हूँ कि मैं कैसे एक परफेक्ट पार्टनर बनूँ, एंड आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू मी. अभी जस्ट सेम आंसर दिया था तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.